इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 2 संघवाद भाग 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। देखो, समय गवाओगे, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ज्यादा अपने समय पर कोशिश किया हूँ तो आज बहुत ज्यादा मेंटेन करने के बाद भी हम समय को बचाने में कभी कभी चूक हो जाती है। तो चलिए समय को हटाइए। भारत में संघीय व्यवस्था, हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क, इतना बड़ा मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्र के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए आइए संविधान से ही शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित मतलब समझो रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। बहुत ही दुखद और खून खराबा के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुआ था, कितना खून खराबा हुआ था। हिंदू मुसलमान में झगड़ा हुआ, ईसाई मुसलमान में झगड़ा हुआ। हिंदुओं में कभी झगड़ा नहीं था, हिंदू मुसलमान में हुआ, ईसाई मुसलमान में हुआ, बाकी सब धर्मों के साथ मुसलमान में ही हुआ, जिसके वजह से बहुत कत्लेआम हुआ था। तो आगे देखिए, तो चलिए आजादी हमें मिल गई। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़े जितने भी थे भारत में विलीन होने लगे, भारत में मिलने लगे। भारतीय संविधान ने भारत को राज्य का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ था। आइए, हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं के जिक्र किया है, वहां पर जो 7 विशेषताओं को बारे में हमने जाना है, उन्हें फिर से देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होता है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघीय सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, उसी को संघीय सरकार बोला जाता है, और राज्य सरकारें अलग होती हैं, जिसको विधायिका बोलते हैं। केंद्र सरकार को पूरे भारत संघ का प्रतिनिधित्व करना था और पूरे भारत का कंट्रोल भी करना था। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया इसमें, ठीक है। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्था के अपने अलग अलग अधिकार हैं। कैसे? संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी सरकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 श्रुतियां इस प्रकार हैं। देखिए, एक विधायी अधिकार में 3 वो प्रकार होते हैं, कौन कौन। संघीय सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों के एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। देखो, यहाँ पर आपकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो भी कानून बनाएगी संघ सरकार बनाएगी। समाचार बैंकिंग के लिए भी केंद्र सरकार जिम्मे है, तो वही करेगी। मुद्रा कौन छापना है, कौन देश में चलेगा, कहाँ कहाँ चलेगा, ये सब की जिम्मेवारी किसकी है, केंद्र सरकार की। राष्ट्र के महत्व के लिए क्या जरूरी है, उस पर फैसला कौन करेगा, केंद्र सरकार। कौन से नीति है, कौन से नीति में बदलाव करना है, कौन नया लाना है, संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र सरकार करेगी। इतना केंद्र सरकार के अधिकार में आता है। अब आता है राज्य सूची। जैसे राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती है। ऐसे में देखो, राज्य सरकार पुलिस को नियंत्रण में ले सकती है, जो राज्य पुलिस होती है उसके लिए कानून बना सकती है, व्यापार के लिए कानून बना सकती है, वाणिज्य, बड़े बड़े फैक्ट्री कहाँ लगेंगे इसके बारे में भी वो बता सकती है, कृषि के लिए भी कुछ अच्छा सोच सकते हैं, सिंचाई के लिए कानून बना सकते हैं,
तो ये सब जिम्मा इनके आदेश में, इनके अंदर में आता है। राज्य सरकार ये सब कानून बना सकते हैं और इस पर अमल भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं। अब देखते हैं समवर्ती सूची में शिक्षा, वन मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। जैसे मैं देखो समवर्तीय सूची की शिक्षा, शिक्षा कैसा होगा इसके बारे में केंद्र सरकार बताती है और राज्य सरकार उस पर अमल करती है, नहीं तो राज्य सरकार बताएगी और दोनों मिल बैठ कर काम करते हैं। जंगलों के बारे में, मजदूर संघ के बारे में, विवाह के बारे में भी नगर पालिका और डायरेक्ट आपको केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है। गोद लेने के क्या क्या अधिकार है और उत्तराधिकारी का क्या क्या अधिकार है ये भी केंद्र सरकार साथ राज्य सरकार के साथ ये सब दिलचस्पी रखती है। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस बात पर दिलचस्पी रखकर आगे के कार्यभार करते हैं और आगे कानून बनाते हैं कि कौन किसका क्या कितना होगा, समझे। आगे इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है, ठीक है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो जाते तो, दोनों के बीच में टकराव हो जाते तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। टकराव हो गया तो हो गया, केंद्र सरकार बोल देगी कि ये कानून लागू होगा तो राज्य की उसमें कुछ नहीं चलेगा, केंद्र सरकार के आदेश को मानना ही पड़ेगा। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इसमें से किसी सूची में नहीं आते, ठीक है, नहीं आते, उनका क्या होता है। जो विषय इस सूची में नहीं बताया जा रहा है आपको, उनका क्या होता है ये आप फिर जानोगे। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार में आते हैं, ये केंद्र सरकार के अंदर में आता है, उनके अधिकार में, क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए हैं, ठीक है। इसलिए हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। जो भी विषय है सब केंद्र सरकार के आदेश में और केंद्र सरकार के अधीन अधिकार में ही चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा है कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकार बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्था में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। जितने भी साथी यहाँ पर इकाई है, जैसे में राज्य हो गया, चाहे यहाँ पर नगर पालिका हो गए, इनको हर जगह पे सामान्य अधिकार नहीं मिलते, क्षेत्र के अनुसार अलग अलग तरीके से अधिकार उनको मिलता है। मैंने ऊपर ही बताया है, यहाँ पर है कि सबको साथ लेकर चलना है तो अलग अलग अधिकार देना पड़ेगा। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है, सबको अलग अलग अधिकार है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 370 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं ये लोग। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों जो इसी देश के हैं और उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार, उनको उसमें रोजगार की भूमिका, अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी होती है। जैसे में स्वदेशी लोग जितने भी मिल जाते हैं तो उनके संस्कृति, सरकारी सेवा में उनको हाथ बटाना, उनको रोजगार, सरकारी सेवा में रोजगार, ये सब उनको मिलेगा संरक्षण के रूप में और कोई तुना तानी नहीं, वहां पर डायरेक्ट केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आता है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार मिला है। कैसे? ये वैसे छोटे इलाके हैं, चलिए जानते हैं कैसे, जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, मतलब आजाद प्रांत नहीं बन सकते, मतलब आजाद राज्य ये लोग नहीं बन सकते क्योंकि इनका आकार छोटा है। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना ही संभव नहीं है, किसी मौजूदा जो अभी प्रांत है उसमें भी इनको मिलाया नहीं जा सकता। जैसे मैं चंडीगढ़ या लक्षद्वीप, चंडीगढ़ को भी नहीं मिलाया जा सकता और लक्षद्वीप को भी नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि चंडीगढ़ को ले लो तो पंजाब और हरियाणा दोनों का हेडक्वार्टर है चंडीगढ़, इसलिए वह केंद्र शासित प्रदेश में आ जाते हैं। लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं, क्योंकि उनका बंटवारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारा कार्यभार यहीं से होता है।
ठीक है, और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है और इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। और इस इलाके में क्या होना है क्या नहीं होना है ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बातें हैं। ठीक है, संविधान में लिखा गया है अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। कैसे? अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है कि 2/3 हिस्सा मिले, बहुमत मिल जाए 2/3, तभी जाकर इसमें आप कुछ कर सकते हैं। फिर कम से कम आधे राज्यों के विधान, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूरी करवाना होगा। आधे राज्य 29 राज्य में से ले लो तो आपको 28, 28 में से 14 भारत में करवाना है, तो आपको 15 से 16 राज्य में से आपको बहुमत हासिल करवाना पड़ेगा, मंजूरी लेना पड़ेगा, उसके बाद से ही आगे का कार्यभार होता है। तो जहां पर जिसका शासन व्यवस्था ज्यादा होगा तो वो वहां पर काम कर सकती है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में नगर पालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अब देखो, शक्तियों के बंटवारे में कोई भी विवाद हो जाता है, चाहे वो राज्य सरकार के हो चाहे वहां पर आप केंद्र सरकार का ले लो, उनके बीच में समझाने का काम, सुलटाने का काम सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय होता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, कानून के कार्य की देख रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे में अगर कुछ भी हो तो उसका फैसला अगर राज्य का है तो उच्च न्यायालय करेगा, और राज्य का है तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय करेगा। जहां दो राज्यों का है सर्वोच्च न्यायालय में जाओ भैया। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही, फिर से देखो, सरकार चलाने के लिए जरूरी काम करने के लिए राजस्व कर लेने के लिए संबंध में कर लेने का संबंध केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। संसाधन जमा करो, हर लोग अलग अलग प्रकार के टैक्स भी ले सकते हैं, कर भी ले सकते हैं, जिसके वजह से हर किसी का पैसा ऐसा ज्यादा आते जाता है। हम लोग का तेल कितना रुपया है? हम लोग का तेल है, अभी आपको लिया जाए तो तेल 60 रुपए लीटर है। ठीक है, राज्य सरकार कितना रुपया लगाती है? 20 रुपया। कोई भी राज्य 20 रुपया उस पर टैक्स लगाता है, कितना हुआ? 80 रुपया। केंद्र सरकार कितना लगा दी? 20 रुपया। 40 रुपया तो जो टैक्स में ले गए। इंटरनेट फाइबरिंग का काम ले लेते हो आप, इंटरनेट जो आप चलाते हो तो इंटरनेट का कितना फीसदी? करीबन से करीबन मेरा इसका पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन 36% तो नहीं, लेकिन 30% टैक्स लेती है गवर्नमेंट। मैं अभी निकाल के बताता हूँ, मैं कंफर्म बताऊं तो ये तो हर सेक्टर में अलग अलग होता है, लेकिन मैं जो वाईफाई का केबल लेता हूँ, वाईफाई का मैं रिचार्ज जितना का करूँ, समझो कि 599 का मैंने रिचार्ज किया तो 45 45 90 रुपया लगता है। किस चीज का टैक्स लगता है? मतलब करीबन 15 फीसदी, 15 साढ़े 15% हमारा टैक्स लगता है केवल वाईफाई इंटरनेट का। तो देखो, जो हमें दे रहा है वह भी टैक्स देता है, जो उसको देता है वह भी टैक्स देता है, और हम रिचार्ज कर रहे हैं तो हम भी टैक्स देते हैं। तो कितना होता है? 18 15 मेरा, 15 उसका, 15 उसका, तो 15 तिहाई 45, 45% टैक्स तो हो गया किसका? गवर्नमेंट ले लेती है। तो ये सब बात होता है, देश चलाने के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है। चलिए यहाँ पर आकाशवाणी पर गौर करते हैं। आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुने, मतलब आकाशवाणी पर एक क्षेत्र के समाचार उसके बारे में आप रोज सुने। सरकारी नीतियां और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाए और उसको निम्नलिखित श्रेणी में बांटे। देखो कि कितना बार किसका खबर दिखाया जाता है। सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़े खबरें, आपके यहाँ किसी अन्य राज्य सरकार से जुड़ी खबरें, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध की खबरें, क्या क्या उसमें होता है ये तो आपको बताना है।
जैसे पोखरण, पोखरण का नाम आपने सब सुना होगा, जहां पर परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। पोखरण जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। मान ले कि अगर राजस्थान के सरकार ने केंद्र सरकार के परमाणु नीति जो उनका था, उनका विरोधी होती, तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? इस पे आप जवाब दे सकते हैं। देखो, परमाणु परीक्षण करने के लिए राज्य सरकार रोक नहीं सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार का जिम्मा है, राज्य सरकार की उतनी हिम्मत नहीं है। मान ले कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तक लागू करना चाहती है। मान ले कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है? जरूर जरूरी है, थोड़ा सा सहमति तो चाहिए, मान ले कि, लेकिन उतना भी नहीं चाहिए, लेकिन पूरा सिलेबस बदलना, इसलिए थोड़ा सा उनसे भी पूछना पड़ता है। मान ले कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। यह ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं, और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री मानेंगे? अवश्य मानेंगे, इतना इन लोगों के पास शक्ति होता है। अगला भाग में पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, संघ में रहकर देश को कैसे चलाया जाता है, संघीय व्यवस्था में क्या क्या त्रुटियों को सुधारा जा सकता है सरकार चलाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जो भी डाउट होगा, जो भी बातें होंगी, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अन्यथा संपर्क करने के लिए indrajitstudypoint@gmail.com पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। क्या? indrajitstudypoint@gmail.com, इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।